नाज़रीन बुलेटिन के आगाज़ में अवां के ॿुधायूं पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी जो चवण है यूटर्न वठण इमरान खान की क्वालिटी है। आदमशुमारी से सिंध के एतराज़ हैं। असां के हालतुन की खबर हुई तो मईशत कि है पर मुल्क के बचाइणो हो। विहाड़ी में मीडिया से गालाइंदे आसिफ अली ज़रदारी जो चवण हो तो मरदमशुमारी से सिंध के एतराज़ हैं। पीडीएम जो पैंजो मौक़िफ़ है असो पैंजो मौक़िफ़ है। आसिफ अली ज़रदारी जो चवण है तो यूटर्न वठण इमरान खान की क्वालिटी है। आदमशुमारी से सिंध के एतराज़ हैं। असां के हालतुन की खबर हुई तो मईशत कि है पर मुल्क के बचाइणो हो। अगोणे सदर ऐं पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी विहाड़ी में मीडिया से गालाइंदे चवा है तो यूटर्न वठण इमरान खान की क्वालिटी है। आदमशुमारी से सिंध के एतराज़ हैं। वो लेती है, अब जो टमाटर लेती है तो महंगा है तो हुकूमत को भी बुरा भला कहेगी और तो किसी को नहीं कहेगी। हद तो ये है कि दाल भी ख़राब आ रही है इसलिए उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो उसमें भी पहले दाल में मिलावट नहीं होती थी, अब उसमें भी मिलावट है। और मैं खाता ही दाल रोटी को मैंने दाल बंद कर दिया। वो दिवालिया हो रहा है, डिफॉल्ट दिवालिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। मुफ्ती इस्माइल कह रहे हैं कि ये डिफॉल्ट कर गया है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सूरत सर हम एक मुल्क हैं, हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है कि अगर हमारे शेयर्स 10 दफ़ा जापान दिवालिया हुआ है फिर उसने कम बैक किया, अमेरिका दिवालिया हुआ है फिर कम बैक होता है। कभी आप सुनते हैं कि दुबई की प्राइसेस बिल्कुल ही गिर गई फिर आप देखते हैं कि उसने कम बैक किया है। तो मुल्क जो है वो इस तरह नहीं चलते कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह हमारे शेयर्स अगर वीक हो गए तो मुल्क ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा एजेंडा है कि जैसी ये सिचुएशन जा रही है, क्योंकि इस वक्त नून लीग भी नाकाम हो चुकी है, पीटीआई ये पहले ही नाकाम हो गई थी, डार साहब ने बाकी कोई आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिली, क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा एजेंडा है कि आने वाले वक्त में अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो मुल्क जो है वो महंगाई ख़त्म हो सकती है, बेहतरी आ सकती है? लास्ट टाइम से आप कंपेयर कर लें, जब हमारी हुकूमत थी यूसुफ भाई की और हमारी और पार्टी की हमारी मेजोरिटी थी तो हमने जब हुकूमत की तो हर चीज़ हत्ता कि मैंने जो रिटायर्ड लोग थे जिनको कोई पूछता नहीं था जिनकी कोई सलाम नहीं लेता था उनकी भी 100% तनख्वाह बढ़ा दी, जवानों की 100% तनख्वाह बढ़ा दी, जजों की तनख्वाह बढ़ा दी, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दिए, ऑल अक्रॉस द बोर्ड हमने 100% तनख्वाहें बढ़ाई सब में से सजाएं खाई। नौकरियों में सजाएं खाई लोग। सरदार साहब आपकी आपकी पार्टी है सिंध में एमपीएम और वाक में भी है तो उनको भी बड़े तहफात हैं आपकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ और मर्दमशुमारी पे भी उनका भी आ रहा है, फिर शुरू उन्होंने किया आज भी मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही थी तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो उनके उनको ज़्यादातर जो इशूज़ हैं वो सेंटर से प्रोविंस से। आसिफ जी 92 मुल्तान से, आइंदा इंतखाबात में पीपल पार्टी तीर के निशान से हिस्सा लेने जा रही है या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लहा करके आइंदा? साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी विहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू कर जनाज़ीन अगुणो सदर आसिफ अली ज़रदारी विहाड़ी में मीडिया से गाल बोल कर रो हो संदे चवण हो तो आदमशुमारी से सिंध के एतराज़ हैं। यूटर्न वठण इमरान खान की आदत है, कें मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी घरू वजीर जो इख्तियार है। आसिफ अली ज़रदारी जो चवण हो तो पीडीएम जो पैंजो मौक़िफ़ है, असो पैंजो मौक़िफ़ है, असं हुकूमत जो हिस्सो आयूँ, पीडीएम जो हिस्सो ना संदस चवण हो जड़ी तरह पूरी कौम के संभालणो है इं ही असं के अदलिया के भी संभालणो है। आसिफ अली ज़रदारी जो चवण हो तो इमरान खान अदालतों के मुंह दियण खान रुझे तो। अगुणे सदर ए पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी विहाड़ी में मीडिया से गालाइंदे है त आदमशुमारी से सिंध के एतराज़ हैं। यूटर्न वठण इमरान खान की आदत है, कें मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी घरू वजीर जो इख्तियार है। आसिफ ज़रदारी जो चवण हो तो पीडीएम जो पैंजो मौक़िफ़ है असो पैंजो मौक़िफ़ है, संदस चवण हो तो इमरान खान अदालतों के मुंह दियण खां डिजे तो जी पूरी कौम के संभालणो है असं के इं ही अदलिया के भी संभालणो है।